नदी पर पुल की मांग कर थक गए, पर सुनने वाला ही शायद कोई नहीं, पर बिना किसी उम्मीद इंतजार भी कितना करते। फिर क्या था, ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी जेब से पैसे खर्च कर बना डाला न्यूगल नदी पर पुल। कम से कम उन्हें 10 मिनट का सफर एक घंटे में तो ना तय करना पड़े। हम बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा और सुलह विधानसभा की कोना पंचायत की। यहाँ न्यूगल नदी पर पुल ही नहीं है, जिस वजह से बरसात के दिनों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों, गर्भवतियों और बीमार बुजुर्गों को। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अब खुद ही न्यूगल नदी पर 20 मीटर लंबा लोहे और लकड़ी का बरसात के दिनों में पुल बनाया है। इससे अब वह एक घंटे की दूरी महज 10 मिनट में तय कर लेते हैं। बार बार की मांग से थके कोना पंचायत के बाशिंदे अब हर साल खुद ही अपने खर्चे पर पुल का निर्माण करते हैं। न्यूगल नदी पर लोहे और लकड़ी का पुल बनाने में हर साल करीब 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आ जाता है, जिसे गांव के लोग खुद ही मिलकर बहन करते हैं, क्योंकि बरसात में हर साल यह पुल बह जाता है और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि सैकड़ों छात्र रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार कर दूसरी ओर जाते हैं। अक्सर ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए ही बस स्टॉप तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कोना पंचायत के ग्रामीण। मेरा नाम स्वामी दास है जी। सर क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जी कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ या पैदा हुआ हूँ, तब से हम लोग जो है गांव के वो मिलकर के इस अस्थाई पुल को, जो जिसका नाम हम तरंगड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसको हम बनाते हैं। वजह ये है कि एक पुल काफ़ी टाइम पहले जो था वो बनाया गया है, लेकिन उसके हमें कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बहू बेटियां अगर लेडीज़ जाएंगी तो बस भी कोई टाइम से नहीं मिलती है, और वहां पर जो है जंगली रास्ता है और वहां पर जो है वो बहुत खतरा होता है। अगर बस मिले भी तो शाम को अगर टाइम से नहीं मिले तो क्या होता है कि यहां पर हमें रुकना पड़ता है कॉलेज के पास, और यहां से फिर हम पैदल निकलते हैं, तो बरसात के दिनों में तो हमें बहुत समस्या आती है। लेकिन आजकल जो है हम इस छोटे से अस्थाई पुल का, जो जिसको हम तरंगड़ी बोलते हैं, इसका निर्माण करते हैं। गांव के लोग, 2-3 गांव के लोग मिलकर के इसका जो खर्चा बहाल करते हैं। तो हमारी समस्या ये है कि इस पुल को जो है यहाँ पर एक पुल दिया जाए, जिसकी एक DPR भी बनी थी पहले, लेकिन उसका भी हमें कोई पता नहीं चला, जो कांग्रेस के टाइम में बनी थी। आजकल वो उस चीज का हमें कोई पता नहीं है कि वो पुल के लिए बनी थी। क्या मांग रहती है अब सरकार? हमारी मांग यही है जी कि हमारा हर कार्य जो है वो थुरल से होता है। थुरल में बाजार है, बैंक है, हर एक चीज जो है हमारी थुरल से आती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल बनाया जाए, ताकि हम लोगों की, गांव की या पंचायत की, जो भी 2-3 पंचायतें पड़ती हैं पीछे, उनकी ये समस्या जो है वो हल हो जाए। और यहाँ पे रात को भी आना पड़ता है तो डर लगता है यहाँ पे आने को। ट्यूशन वगैरह भी रखते हैं हम, तो बड़ा डर लगता है यहाँ पे आने का भी, जाने का भी। कोई साधन नहीं है, गाड़ियों का आने का भी कुछ नहीं, साधन नहीं बनता यहाँ पे। और यहाँ पे इस जो ये छोटा सा पुल बनाते हैं हम, ये हर साल बनाते हैं, तो ये भी कई बार जो नदी आने के बाद वो भी बह जाता है। तो मेरी अनुरोध है मंत्री जी से कि यहाँ पे एक पुल का निर्माण किया जाए। अब तक हार कर कोना पंचायत के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यहां स्थायी पुल बनाने की मांग करते हुए कहा कि पुल बन जाने से उन्हें आने जाने की अच्छी सुविधा हो जाएगी और लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए थुरल से आदित्य सलूजा की रिपोर्ट।